सत्संग में इंसान जब चल के आता है, दिलो दिमाग में जो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, शंकाएं होती हैं, सवाल होते हैं, उनका जवाब पूरी सत्संग सुनता है तो कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाता है, इशारा मिल जाता है, हल मिल जाता है। और सुन के अमल करे तो वाकई उसकी वो गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो वचन बहुत जरूरी है, संतों के सत्संग में सुन के अमल करना। सत्संग घंटा आध घंटा जो भी समय आप देते हैं, भगवान पे एहसान मत किया करो। कई बार आपको लगता है कि लो भाई मैं सत्संग में आ गया, देख भगवान मैंने तेरा राम नाम सुन लिया, एहसान क्यों जताते हो? आप सत्संग सुनते हो तो कर्म आपके कटेंगे, कर्म आपके बनेंगे, तो इसमें एहसान जताने की तो कोई बात ही नहीं। बल्कि होना ये चाहिए कि हे मालिक मैं तेरा शुक्राना करता हूं कि तूने कृपा की तभी मैं सत्संग में चल के आ गया, तूने कृपा की हे ईश्वर तभी सत्संग सुन के अपने भाग्य को मैं बदल पाऊंगा या बदल डालूंगा। तो उस मालिक का, वाहिगुरु का, राम का, ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए, ना कि कोई एहसान जताना चाहिए। इंसान कैसे कर्म करता है ये तो इंसान जानता है, उसके अलावा भगवान जानता है। इंसान कर्म करता है उसका फल चाहिए, हर किसी को चाहिए, लेकिन ईश्वर जिस हाल में रखता है भक्तजन उसी हाल में रहते हैं। पता नहीं वो जिस हाल में रखे उसके बदले में क्या दे डाले, कुछ कहा नहीं जा सकता उस राम का, ईश्वर का, प्रभु परमात्मा का। बस नेगेटिव ना सोचा करो।